करना है मिरर, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको इस साइड मिरर करेंगे, फिर दोनों को बना के नीचे मिरर करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने स्केच में मिरर करना है एक्चुअली, ठीक है। वैसे ये 3D में करना चाहिए इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, बट अभी हम सिंपल सीख रहे हैं स्केच, तो इसलिए सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। अभी ये ना इंचों में बन रहा है, तो हम यहाँ से मिलीमीटर कर लेते हैं। स्केच एडिट स्केच, इसको डायमेंशन दे दो। हाँ, यहाँ से क्लिक करो नीचे टेंजेंट, ये 300 दे दिया, ये भी 300 दे दिया, ठीक है। इसका इस रेक्टेंगल का फ़ायदा क्या हो गया, मेरे को सेंटर लाइन आ गई मेरे पास। अब हमने यहाँ पे बनाना है एक सर्कल बनाया, कितने का है, 33 का, 33 × 2। अब जैसे ये डायमीटर आ गया, अगर रेडियस करना है तो इस पर क्लिक करो, लेडर यहाँ पे रेडियस, तो ये रेडियस आने लग जाएगा। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेडर रेडियस, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन हमारे को दी है 45, ये डायमेंशन दिया है हमारे को 50, ठीक है। रिडिफाइन हो गया, एक सर्कल और दिया है हमारे पास, डायमेंशन देंगे। एक्चुअली पूरा जब गोल सर्कल होता है तो उसका डायमीटर आता है, तो हम एक बार डायमीटर दे के लेटर में जाके इसको रेडियस कर सकते, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 100 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 1 0, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो एक सर्कल हमने मारा यहाँ से, जो इन दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट, बाहर क्लिक किया, इन दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट, डायमेंशन दे सकते हैं कितना है, 40, 80 हो गया, ठीक है। डायमेंशन पे क्लिक करो, लैडर, एक और सर्कल मारेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि इजीली हम टेंजेंट कर सकें। इन दोनों को क्लिक करो, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया है हमारे को, 200, इस पर क्लिक करके लैडर 100 आ गया ना। फालतू का ट्रिम कर देंगे, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, तो फिर ये ऑटो गैड वाली तरह ट्रिम करने लग जाएगा। ओके, ये 40 हो गया, ओके। अब इसके ही सेंटर से हमारे पास एक सर्कल हो रहा है डाया 30 का, सर्कल लो, सेंटर पे क्लिक करो, डायमेंशन कितनी, 30, ठीक, ये बन गया। इसको थोड़ा सा सही तरीके से रख लेते हैं, इसको भी सही रख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको मिरर करना है, ये मिरर एंटिटी लो, किसको मिरर करना है, एंटिटी टू मिरर, मैं कहा जी दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अब मिरर अबाउट किसके, किसके मिरर करना है, मैंने कहा जी इसके, ओके। मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, ऐसे विंडो बना के भी कर सकते हैं। और मिरर अबाउट किसके मिरर करना है, मैंने कहा जी इसके, मिरर में क्या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एक लाइन को सेलेक्ट करें ना, जिसे ठीक है। अगर मैं इसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनाऊं, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक,
बना लिया ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फीचर्स एक्सट्रूड के इसको इसको करना चाहते हैं। तो अब ये कितना एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे हमारे को भी है 20, तो इसको करते हैं 20। ठीक है, नीचे को है ना, तो नीचे को करो। अब ये स्केच मेरा हाइड हो गया, कोई बात नहीं, स्केच को यहाँ से शो कर सकते हैं, तो दोबारा दिखने लग गया। फिर से एक्सट्रूड करेंगे इसको, ये कितना है, ये भी 20। और ये जो होल है सर्कल, ये होल है, तो इसको एक्सट्रूड कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास मिरर है, बट इसके लिए मेरे पास ये प्लेन चाहिए। मिरर प्लेन कौन सा, ये सेंटर वाला। फीचर कौन सा, मैं कहा जी एक ये और एक होल। ठीक है, अभी इधर वाला प्लेन मिरर फीचर कौन सा, एक ये और एक सेंट होल और एक ये। ठीक है, वो मिरर में ही आ गया, प्रीव्यू दिखाने लग गया ना। हमने बॉस को कर लिया, ठीक है, मिरर को कर लिया और कट एक्सट्रूड को कर लिया। बाद में हम स्केच को हाइड कर सकते हैं, ये ड्राइंग बनाने इसको भी हाइड कर। ठीक है, यहाँ से हम सेक्शन व्यू देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने हैचिंग करके दिखाई है। ठीक है,